सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले जो वीडियोस थे उसमें 12वीं एक्सरसाइज तक का रिवीजन कर लिया था। आज हम रिवीजन करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13 का, और एक्सरसाइज नंबर 13 है वो है स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा क्या होती है? हमने पिछले जो एक्सरसाइज थी 12वीं में, उसने हमने सीखा था कि वृत्त क्या होता है। यदि ऐसी कोई रेखा जो वृत्त को छूके जाए, नाम स्पर्श रेखा है, तो वो क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होगी? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे वह क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। वृत्त को एक बिंदु पे, इस पे वृत्त पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, लेकिन एक बिंदु पे स्पर्श करे वह क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जैसे मैंने ये रेखा खींची है, ये ए बी रेखा क्या है? स्पर्श रेखा है। इस पे छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? क्योंकि एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए वृत्त पर भी अनंत स्पर्श रेखाएं होगी। मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, इसको नोट कर लेना। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा होती है। एक वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होती है? तो एक बिंदु पर तो हम एक ही खींच सकते हैं। ये एक बिंदु, इस पर एक खींच ली, ये एक बिंदु, इस पर हमने एक खींच ली। यानी कि एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा होती है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होती है वो अनंत होती है। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम परस्पर समांतर खींच सकते हैं? तो परस्पर हम दो रेखाएं क्या खींच सकते हैं? समांतर खींच सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हम परस्पर समांतर खींच सकते हैं। वृत्त और उसके बेनिष्ठ स्पर्श रेखा के बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे ये वृत्त है, तो ये बेनिष्ठ बिंदु है स्पर्श रेखा और वृत्त का, इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। एक वृत्त पर जो बिंदु स्थित होता है वो स्पर्श रेखा और वृत्त का बेनिष्ठ बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। ये तो थी स्पर्श रेखा की परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं, छेदक रेखा जो वृत्त को दो जगह स्पर्श करे या दो जगह काट के जाए वो छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ प्रत्येक का आंसर है वो अनंत होगा। एक वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं होती है, हम कितनी भी खींच सकते हैं। ये एक वृत्त है, इस पर छेदक रेखाएं आप मर्जी आए उतनी खींच सकते हो। एक वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी रेखाएं छेदक होती है? जैसे ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर हम छेदक रेखा खींचेंगे तो कितनी खींची जाएगी? अनंत खींची जाएगी। लेकिन एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक ही होती है, छेदक रेखाएं अनंत होती है। और ऐसे ही एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं समांतर हो सकती है? तो इसका उत्तर भी कितना आएगा? अनंत आएगा। चलते स्टूडेंट्स हम आगे। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली जो प्रमेय आती है, 13.1 प्रमेय आती है, यह भी आपको आनी चाहिए। क्या प्रमेय है? कि वृत्त और स्पर्श रेखा के मध्य क्या संबंध होता है? वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है? जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसकी हमने स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा है। मान लीजिए ये कोई पी क्यू स्पर्श रेखा है और ये बिंदु ओ केंद्र है। यदि मैं ओ को इस के स्पर्श बिंदु, मान लो स्पर्श बिंदु आर है, इसको ओ को आर से मिलाऊं तो ये क्या कहलाएगी? ये त्रिज्या कहलाएगी। तो हमें क्या संबंध निकालना है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में संबंध निकालना, यही 13.1 प्रमेय कहलाती है कि वृत्त और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो आइए हम ढूंढते हैं कि वृत्त और त्रिज्या के मध्य क्या संबंध है। स्टूडेंट्स, हमने एक वृत्त खींचा, ये एक वृत्त खींचा हुआ है, इस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली, एक्स वाई स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु है उसका नाम है P, वृत्त का केंद्र है O। हमने इस एक्स वाई रेखा पे दो बिंदु लिए हैं, एक तो स्पर्श बिंदु P है और एक दूसरा अन्य बिंदु ले लिया Q। ये जो बिंदु Q है, बिंदु P है, ये तो वृत्त पर स्थित है, ये बिंदु Q है, ये वृत्त से बाहर स्थित है। कल हमने एक प्रमेय की थी, उसमें परसों के वीडियो में की थी 12.6 प्रमेय, और आपको मैंने बताया था कि केंद्र से इस जो जीवा होती है उसकी दूरी लंबवत दूरी कहलाती है, वो भी नियम यही काम आने वाला है। ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से यदि मैं दूरियां निकालूं तो आप बताइए कि ये दूरी OQ ज्यादा होगी या OP ज्यादा होगी? आप सभी जानते हैं कि OQ दूरी है वो ज्यादा होगी और OP दूरी है वो कम होगी। कारण क्या है कि बिंदु P तो वृत्त पर स्थित है, Q बिंदु वृत्त से बाहर स्थित है। चाहे थोड़ा सा भी बाहर स्थित है, P बिंदु हमेशा ही कम दूरी होगी। ये तो हमें सीधी ही वृत्त की परिभाषा से पता चल गई। और गणितीय प्रमेय एक और कथन कहती है कि यदि किसी बिंदु से एक रेखा से दूरी निकाली जाए, वह बिंदु
क्या हो उस रेखा से बाहर स्थित हो। तो सबसे छोटी दूरी है वो लंबवत दूरी होती है। जैसे मान लें मैं यहाँ खड़ा होकर सामने दीवार है, इस दीवार पे यदि मैं जाता हूँ तो मेरे पास में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैं तिरछा भी जा सकता हूँ, लेकिन सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी स्टूडेंट्स? लंबवत दूरी होगी। ऐसे ही बिंदु ओ से इस एक्स वाई रेखा पर बहुत सारी तरीकों से गुजर सकते हैं हम, इस यहाँ से जाएँ, यहाँ से जाएँ, यहाँ से जाएँ, लेकिन सबसे छोटी दूरी क्या आएगी? लंबवत दूरी आएगी। हमें वृत्त की परिभाषा से पता चला ओ क्यू बड़ा होगा, ओ पी छोटा होगा, और गणितीय प्रमेय से क्या पता चला कि ओपी दूरी सबसे छोटी दूरी है। ओपी दूरी क्या है? सबसे छोटी दूरी है, और सबसे छोटी दूरी क्या होती है? लंबवत दूरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी है वो क्या है? लंबवत है। किस पर? एक्स वाई रेखा पर। यानी हमने प्रमेय सिद्ध कर दी कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में क्या होती है? 90 डिग्री की संबंध होती है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। देख लीजिए एक्स वाई पर बिंदु क्यू लिया, ओ क्यू को मिलाया, चूंकि स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु स्पर्श रेखा को छोड़ के बाहर स्थित है, इसलिए ओ पी तो होगा छोटा और ओ क्यू क्या होगा? बड़ा। हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी दूरी है वो लंबवत दूरी होती है, इसलिए यहाँ पे नियम सिद्ध हो गया कि ओ पी है वो लंबवत है। किस पर लंबवत है? एक्स वाई रेखा पर लंबवत है। इसकी विलोम पर मैं आप ऐसे ही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब जो मैंने अभी आपको प्रमेय बताई उस पर आधारित एक इंपॉर्टेंट मैं चित्र बनाने वाला हूं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, केवल व्हाइट पेज है ये चित्र, आप सभी नोट कर लीजिएगा क्या चित्र है। और इस पर एक छोटा सा एक नंबर का सवाल आ जाता है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त पर, ये वृत्त का केंद्र ओ है, इस वृत्त पर हम बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं खींचे 13.3 पर में वो यही आएगी, ठीक है। केवल हम एक स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, हम इस पे दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मैं केवल एक स्पर्श रेखा बता रहा हूं। इस ओ को यदि मैं पी से मिला दूं, ठीक है, तो ओ को पी से मिलाने पर ये क्या कहलाएगी? आप जानते हो ये वृत्त का केंद्र ओ है, ये बिंदु बाह्य बिंदु है, इसके लिए हम कहेंगे इसको केंद्र से दूरी। इसको हम क्या कहेंगे? केंद्र से दूरी। और ये P और Q, मान लीजिए ये Q पर स्पर्श कर रहा है, तो ये Q क्या है? स्पर्श बिंदु है। यहाँ पे हमने अभी सीखा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो त्रिभुज OQP कैसा हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में हमें पता है तीन भुजाएं होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है स्टूडेंट्स? करण होती है, ठीक है। तो बोधायन प्रमेय से हमें करण समझना है, लेकिन किसको? केंद्र से दूरी को। जहां आपके प्रश्न में नाम केंद्र से दूरी आए उसको आपको करण समझना है। ये क्या है? ये स्पर्श रेखा है या स्पर्श रेखा की लंबाई है, लेकिन बोधायन प्रमेय के अनुसार इसको हमें क्या समझना है वो इंपॉर्टेंट है। बोधायन प्रमेय के अनुसार इसको हमें समझना है आधार, क्योंकि हमें पता है ये लंबवत दूरी है। ये वैसे तो क्या है? त्रिज्या, लेकिन वैसे क्या है? ये लंब है या ऊंचाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सवालों में, सवाल देगा केंद्र से दूरी इतनी, स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, त्रिज्या ज्ञात करो, या त्रिज्या इतनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, केंद्र से दूरी ज्ञात करो। लेकिन आपको समझना क्या है? जहां भी केंद्र से दूरी नाम आए उसको करण समझना है, स्पर्श रेखा की लंबाई को आधार समझना, और त्रिज्या को लंब समझना है। अब आपको बोधायन प्रमेय से ये बताने की जरूरत नहीं है कि करण का फॉर्मूला क्या होता है। करण का फॉर्मूला कह दो चाहे केंद्र से दूरी कह दो, आपको सवाल में यदि केंद्र से दूरी पूछे तो आपको करण का फॉर्मूला ही लगाना है। क्या होता है स्टूडेंट से? अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हो, बोधायन प्रमेय में हमने पढ़ा है। ऐसे ही आपको पूछ ले कि त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या की लंबाई जब भी आप ज्ञात करोगे तो केंद्र से दूरी यानी करण की स्क्वायर में से क्या घटा दोगे? स्पर्श रेखा की लंबाई घटा दोगे, उसकी स्क्वायर घटा दोगे, और फिर उसका अंडर रूट निकालोगे, यानी करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करने का क्वेश्चन आ जाएगा। और ऐसे ही आपको पूछ ले कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, पहले मैं ये चित्र बना रहा हूँ फिर इस पर आधारित क्वेश्चन है उसको भी हम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? जो केंद्र से दूरी होगी उसकी स्क्वायर में से क्या घटा देंगे? हमें त्रिज्या की स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि लंब घटा देंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं इस पर आधारित। मैंने ये फॉर्मूले इसलिए लिखाए हैं क्योंकि इन फॉर्मूलों पे आधारित पहले भी एक एक नंबर के सवाल आते रहे हैं, आप इनको विशेष तौर से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और इस पे हम अभी क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर रहा हूँ।
जैसे कि यही रहा आपके सामने है। अब आप कहोगे कि सर बहुत ही अच्छा हो गया आपने जो चित्र बना दिया था। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, कहने का मतलब है क्या दिया हुआ है हमें, आधार। पहले से डिसाइड हो गया इसका चित्र तो वही फिक्स है, हमें ज्ञात करना है। जबकि केंद्र, केंद्र से दूरी, आपको बताया भी केंद्र से दूरी यानी कर्ण दिया हुआ है कितना है 13। और त्रिज्या, त्रिज्या आपको बताया कितनी है, क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, समझ गए होंगे आप, आधार ज्ञात करना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट में केंद्र से दूरी की स्क्वायर या कर्ण की स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर माइनस त्रिज्या की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर। अब 13 की स्क्वायर में से 5 की स्क्वायर घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो चाहे सीधा घटा दो, 169 माइनस 25 अनरूड 144 यानी कि 12 सेमी, ये आंसर आ जाएगा 12 सेमी, ठीक है। और चित्र तो वो सेम का सेम था ही जो मैंने आपको बनाया है, बताया भी था वही चित्र है सेम का सेम। सेम इसी नियम पे आधारित आपके बुक में भी क्वेश्चन है, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखना है। एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक खींच सकते हैं। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करने वाली छेदक रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी दो छेदक रेखाएं होती है, वो तो दो होती है, वो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उस वृत्त तथा अभिनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको भी आपको देखना है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला था वो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आने की संभावना प्रबल है, केंद्र से दूरी दी भी है। मैं कोई चित्र नहीं बनाऊंगा, बिना चित्र कर सकते हैं, वरना चित्र तो वो फिक्स है। केंद्र से दूरी मैं इसको शॉर्ट में के लिख रहा हूँ क्योंकि करण होता है केंद्र से दूरी, कितनी दी हुई है 10 सेमी। और क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई, आपको बताया था स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आधार। तो निश्चित रूप से हमें क्या ज्ञात करवाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या लंब बोल दें, ब्रैकेट में आर लिख देता हूं, आपको बताया इसी वीडियो में कि त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, 100 माइनस 16 सौ में से 16 जाने पे 84 बचते हैं, 84 का पूरा अंडर रूट होता नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 21 × 4 21 का अंडर रूट 4, 4 का अंडर रूट होता है 2, 21 का होता नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 21 सेमी, ये इसका फाइनल आंसर है, 2 अंडर रूट 21 सेमी। तो शॉर्ट में हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको सारे नियम और फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, लीजिए चित्र बनाते हैं, दो सेकेंद्रीय वृत्त हमने बना दिए। ये कह रहा है कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों की एक की त्रिज्या 5 सेमी, एक की 3 सेमी है। ये छोटे वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या ये कहलाएगी, ये 3 सेमी, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी। ये चित्र क्यों बनाया, क्योंकि हमें क्या बता रखी है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आप जीवा जानते हो, ये बड़े वाले वृत्त की जीवा है, ए बी नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। और ये जो O से लेकर A तक की दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी 5 सेमी कहलाएगी। तो आपके सामने है, अब ये सीधी दूरी कौन सी होती है स्टूडेंट्स, आप जानते हो, एक तो हमने परमेय सीखे है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये AB स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या यानी OP है वो किस पर लंब है, AB पर। अब OP लंब है AB पर, इसका मतलब हुआ कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP, इसमें हम बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं। तो बोधायन प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, इस AP का मान आ जाएगा, कितना आएगा AP का मान, क्योंकि 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है आपको वो देखना है, यहाँ कोण है यानी ये कर्ण हो गया, तो ये कर्ण है तो ये लंब हो गया। तो AP का मान कितना आएगा, 5 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, छोटा सा मान है, 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 यानी कि 4 सेमी, ये AP का मान है। स्टूडेंट्स हमने 12.3 प्रमेय में सीखा है कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब OP यदि लंब है किस पर, AB पर, तो AP और BP आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे, यानी BP का मान भी 4 सेमी होगा। तो अब तो आप बता सकते हो ये 4 है, ये 4 है, तो AB का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 + 4 यानी कि 8 सेमी। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये आपका दायित्व है कि क्वेश्चन नंबर 5 आप हल करेंगे, ठीक है। ओ ए बराबर 10 सेमी भी आना चाहिए, ये आपको ऐसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूँ, बस आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब हम चलते हैं
इस एक्सरसाइज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय, ये प्रमेय तो आपको निश्चित रूप से हर हालत में आने ही चाहिए, क्योंकि इस प्रमेय की आने की हर बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता वो हाईएस्ट होती है। पिछले यदि आप 2013 से 2018 के बीच का जो पिछला एनसीईआरटी का सिलेबस उसकी बात करो तो इन 5 सालों के बीच में ये 2 से 3 बार आई भी है, और इस बार जब नया बोर्ड आरबीएससी ने नया सिलेबस लागू किया है तब से ये प्रमेय आई नहीं है 2 सालों से, तो इस बार इसके आने की संभावना है वो ज़्यादा है, तो आपको आनी चाहिए हर हालत में। तो चलिए क्या प्रमेय, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हम ये जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं खींचें तो हम कितनी खींच सकते हैं? अब आप जान गए होंगे कि इस बिंदु P से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वृत्त पर हमें 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की भी बात करेंगे आगे चल के। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं आपस में लंबाई में बराबर होती है, ये ही प्रमेय है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, इसी को 13.3 प्रमेय का कहा है। यही 13.3 प्रमेय है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए ये जो चित्र है मैं ये प्रिफेर नहीं करूंगा आपको, मैं चित्र बताऊंगा आप उस हिसाब से इसको ड्रॉ कर लेना। ये मान लीजिए मैंने एक वृत्त खींचा और इस पे ये मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, एक ए बी, ये बाह्य बिंदु पी है, इससे पी ए और पी बी ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची है। अब यदि ये वृत्त का केंद्र ओ है और ओ को ए और बी से मैं मिला दूं और ओ को पी से मिला दूं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखा है, लिखना है दिया है, चलो मैं चित्र यहाँ बना देता हूँ और स्पष्ट चित्र बना देता हूँ, थोड़ा छोटा और स्पष्ट। ये वृत्त का केंद्र ओ है, ये बाह्य बिंदु पी है, इससे हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची है, एक ए एक बी, ये 2 स्पर्श बिंदु हैं, यानी स्पर्श रेखाओं का नाम क्या हो गया, पी ए और पी बी। हम सिद्ध करने के लिए, चलो हम इस रचना क्यों करेंगे वो मैं बताऊंगा, पहले हम ये कारण ढूंढ लेते हैं कि इसकी रचना क्यों की। हमें दिया है, हमें क्या लिखना है, दिया है हमें सबसे पहले ये लिखना है कि बाह्य बिंदु पी से पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये दिया में आ जाएगा। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि रचना करने के लिए हमें वही है नियम ढूंढने पड़ेंगे, 2 सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करने पड़ेंगे, त्रिभुज है नहीं, तो त्रिभुज कब बनेंगे, जब हम इस केंद्र ओ को किससे मिला दें, एक तो मिला दें ओ को पी से बाह्य बिंदु से, एक ओ को मिला दें ए से, एक ओ को मिला दें बी से, तो इस तरीके से हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, इन दोनों त्रिभुजों के मैं नाम लिख रहा हूं, एक का नाम है त्रिभुज यदि ओ ए पी और एक का नाम है त्रिभुज ओ बी पी, इन दो की हमें तुलना करनी है। इन दो की तुलना करें तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये समकोण त्रिभुज हैं, और समकोण त्रिभुजों में कौन सी प्रमेय लगानी होती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, समकोण त्रिभुज में हमें आरएचएस नियम लगाना पड़ता है या आरएचएस प्रमेय, ठीक है, तो हम आरएचएस नियम लगाएंगे। आरएचएस में एक 90 डिग्री का कोण, एक करण और एक अन्य 2 भुजाएं हमें दोनों त्रिभुजों में समान देखनी है, तो दोनों में 90-90 डिग्री के कोण बराबर हैं, कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों ही 90-90 डिग्री के कोण हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं ये कोण, तो कोण ए बराबर कोण बी आ गया, आप इनके पूरे नाम भी लिख सकते हो ओ ए पी बराबर ओ बी पी, ये दोनों आपस में 90-90 डिग्री के एक आर आ गया। अब हम एक एच निकालेंगे, एच आप जानते ही हो 90 डिग्री के सामने की भुजा करण होती है, कहने का मतलब है ओ पी बराबर ओ पी, ये क्या है उभयनिष्ठ करण है, ओ पी बराबर ओ पी आ गया उभयनिष्ठ करण। अब हमें क्या देखना है, एक एस देखना है, एस आप जानते हो ओ ए और ओ बी ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में क्या होंगी स्टूडेंट्स बराबर होंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, मैं आर लिख रहा हूं, इसका मतलब दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हैं आरएचएस नियम से, दोनों त्रिभुज कैसे हैं स्टूडेंट्स सर्वांगसम हैं, त्रिभुज ओएपी किसके सर्वांगसम है स्टूडेंट्स त्रिभुज ओबीपी के, और सीपीसीटी नियम यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एपी है वो किसके बराबर होगा बीपी के। ये हमने प्रमेय से सीखा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में आपस क्या होती है, आपस में बराबर होती है, एपी बराबर बीपी या पीए बराबर पीबी, ये तो हमने सीखा है इस 13वीं एक्सरसाइज में प्रमेय से।
और आगे चल के हम किससे सीखेंगे इसको, थ्योरेटिकल भी यानी कि प्रकार और पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तब भी सीखेंगे इसको। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परमेय थी जो कि आपको आनी चाहिए। एक एग्जांपल है, एक वृत्त, एक वृत्त पर हमने क्या कर रखी है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बाह्य बिंदु पी स्पर्श करता है। ये जो बाह्य बिंदु पी है ये, इस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची और बाह्य बिंदु ए से भी एक स्पर्श रेखा खींच रखी है। ए बी व ए सी को बढ़ाने पर, इस यदि स्पर्श रेखा ए बी को मैं क्यू तक बढ़ा दूं और आर तक बढ़ा दूं तो ये भी स्पर्श बिंदु होंगे क्यू और आर। ए बी को बढ़ाएं तो ये क्यू पर स्पर्श करेगी वृत्त को और ये पी पर करेगी, जबकि यदि मैं इसको बी सी को मिलाऊंगा तो ये बिंदु पी पर करेगी। बी सी की भुजाएं वो पी पर स्पर्श कर रही है। हमें क्या सिद्ध करना है, एक क्यू बराबर एक बटा दो त्रिभुज की परिमाप, परिमिति यानी परिमाप, ये हमें सिद्ध करना है। तो सरल सा इक्वेशन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हमने जो परमेय सीखी थी यानी कि 13.3 परमेय, वो लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम 13.3 परमेय लगा रहे हैं। ये 13.3 परमेय कहाँ लगेगी स्टूडेंट्स, यहाँ लग जाएगी स्टूडेंट्स। ए से लेकर क्यू तक की दूरी किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, ए से लेकर आर तक की दूरी के, एक क्यू बराबर ए आर, 13.3 परमेय लगा दी। अब इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, बी क्यू बराबर बी पी, ये देखिए ये बाह्य बिंदु बी है, ये क्यू पर स्पर्श कर रहा है तो बी क्यू बराबर बी पी भी होगा, ये भी आ गया। ऐसे ही सी पी बराबर भी सी आर हो गया, ये सी से पी तक और ये सी से लेके आर तक, सी पी बराबर सी आर होगा। तीनों बार हमने तीन अलग अलग बिंदुओं पे 13.3 परमेय लगाई है यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है एक बिंदु ए पर। आप यहाँ पे ऐसे अलग भी लिख सकते हो, बिंदु ए पर ये, बिंदु बी पर और ये बिंदु सी पर, हमने तीन बार अलग अलग परमेय लगाई है। अब हमें क्या करना है, हमें एक क्यू बराबर एक बटा दो त्रिभुज एबीसी प्राप्त करना है यानी कि एक क्यू को जोड़ना होगा। अब एक क्यू को किससे जोड़ेंगे हम, एक क्यू को हम ए आर से ही जोड़ सकते हैं क्योंकि एक क्यू वृत्त की बाह्य स्पर्श रेखा है। सिद्ध करने के अनुसार जो दिया हुआ है उसके अनुसार हमें सिद्ध क्या करना था, एक क्यू बराबर एक बटा दो त्रिभुज, तो एक क्यू के साथ हमने ए आर ही जोड़ेंगे हम क्योंकि एक क्यू बाह्य स्पर्श रेखा है बिंदु ए की और ए से आर है, तो एक क्यू प्लस ए आर कर दिया हमने। यदि एक क्यू और ए आर को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एक क्यू दो भागों में बंटी हुई है, बी पी प्लस बी ए बी प्लस बी क्यू, ऐसे ही ए आर दो भागों में है, ए सी प्लस सी आर। यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि इस बी क्यू को हटा के मैं क्या लिख दूंगा, बी पी, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है बी क्यू बराबर बी पी। ऐसे ही मैं इस सी आर को हटा के क्या लिख दूंगा, सी पी, प्रतिस्थापित कर दूंगा जो इसके बराबर है। जैसे ही मैंने ए बी प्लस बी पी लिखा, आप चित्र में देखिए ए बी प्लस बी पी और ए सी प्लस सी पी, यदि मैं इसको सही क्रम से लिखूं और मैं ऐसे लिखूं कि ए पी और ए सी, इनको तो अलग लिखूं मैं, जैसे देखो ए पी और ए सी और बी पी और सी पी है वो चित्र में जुड़ रही है, देखिए बी पी और सी पी ये दोनों चित्र में जुड़ जाएगी, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ए बी और ए सी इन दोनों को, ये देखिए ए बी और ए सी ये तो थी अलग, ये तो मैंने अलग ही लिखी ए बी और ए सी, और ब्रैकेट में बच गई बी पी प्लस सी पी, इनको एक साथ जोड़ दिया क्योंकि इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, बी सी प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये क्या बनता है, यही तो इस त्रिभुज का परिमाप है यानी त्रिभुज एबीसी का परिमाप। और इस साइड क्या चल रहा था, इस साइड तो ये चल रहा था दो ए क्यू, दो ए क्यू कैसे आया, क्योंकि हमने ए क्यू प्लस ए आर लिख रखा था, ए क्यू प्लस ए आर था और ए क्यू और ए आर आपस में बराबर हैं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, दो ए क्यू लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट्स, दो ए क्यू लिख दूंगा, ठीक है। वैसे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से मुझे चित्र में ही बता रखा है कि ए क्यू और ए आर आपस में बराबर हैं, इसलिए इसने इसको दो ए क्यू लिख दिया। अब दो का ट्रांसफर करेंगे तो ए क्यू बराबर एक बटा दो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने करवाया है, आप सीखना स्टूडेंट्स। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में मैंने आपको पांचवा जो क्वेश्चन बताया ये आपको आना ही चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दोनों भी आपको हल ही करने हैं। सम्मुख भुजाओं का आंतरिक कोण है वो संपूरक होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको चित्र बता देता हूँ, बाकी आप खुद करने का प्रयास करना। जैसे ये कह रहा है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, एक वृत्त है वो चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ऐसा एक चतुर्भुज है
और इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ हमने एक वृत्त बना लिया। तो ये एक चतुर्भुज था ए बी सी डी और ये वृत्त का केंद्र ओ है। हमें क्या सिद्ध करना है, इस वृत्त की सम्मुख भुजाएं, अब सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये केंद्र पे जो कोण अंतरित करती है वो संपूरक है। तो मैंने केंद्र पे अंतरित, सी डी केंद्र पे कौन सा अंतरित करेगी सी ओ डी, और ए बी कौन सा करेगी ए ओ बी, ये दोनों परस्पर 180 डिग्री है। इनको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना भी करनी पड़ेगी, हम कुछ ऐसी रचनाएं करेंगे। जैसे ही ऐसी रचनाएं करेंगे तो यहाँ पे टोटल 8 कोण का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 8 कोणों का निर्माण हो गया। यहाँ पे ए से देखें तो 8 और 7 बराबर हैं, बी से देखेंगे तो 1 और 2 बराबर है, सी से देखेंगे तो 3 और 4 बराबर हैं, और डी से देखेंगे तो 5 और 6 बराबर हैं। 13.3 पर में से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि 13.3 पर में हमने एक तो सीपीसीटी नियम से बताया था कि सर्वांग समत्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो वहाँ ये नियम भी लगा सकते हैं कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए, ये कोण भी बराबर होंगे इस बाह्य बिंदु से, ये स्पर्श रेखाएं बराबर है। मान लीजिए कि इसको बिंदु P, इसको Q, इसको R और इसको S नाम दूँ, तो AS और AP बराबर हैं, तो ये कोण भी बराबर हैं 7 और 8। फिर इन सभी कोणों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो वो 360 के बराबर होंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे जो जो बराबर हैं, 8 और 7 में से 8 प्रतिस्थापित होगा। सिद्ध क्या करना है हमें, ए ओ बी सिद्ध करना है। तो ए ओ बी सिद्ध करने में 1 और 8 बराबर हैं, सॉरी ए ओ बी है, ए ओ बी सिद्ध करने में 1 और 8 चाहिए, इसका मतलब 7 और 8 में से हमें 7 को तो हटा देंगे और उसकी जगह 8 लिख देंगे, यानी 2 कोण 8 आ जाएगा। ऐसे ही 1 और 2 में से हम 1 को रखेंगे, 2 को हटा देंगे, क्योंकि चित्र में हमें 1 की आवश्यकता है सिद्ध करने में। ऐसे ही 5 और 4 को रखना है तो 3 और 4 बराबर हैं, तो 3 को हटाएंगे, उसकी जगह 4 लिखेंगे। ऐसे ही 5 और 6 में से 5 को रखना है, 6 को हटाना है, तो वो सारे 2 2 कोण हो जाएंगे, तो 2 का 360 में भाग लग जाएगा, 180 आएगा, और बाकी 1 और 8 जुड़ के क्या बना लेंगे ए ओ बी, और 5 और 4 जुड़ के सी ओ डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना ही है। स्टूडेंट्स ये जो प्रमेय है, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये पिछले साल आई हुई है, आप जरूर इसको हल करके देखना, सरल से ही प्रमेय है, और ऐसे ही इसकी विलोम प्रमेय है। इस पर कुछ आधारित क्वेश्चंस हैं, आपको उन्हें हल करना सीखना है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है उदाहरण नंबर 2, आपको सभी उदाहरण है वो एकदम कम्प्लीटली आने चाहिए। उदाहरण नंबर 2 है आपके सामने, ये उदाहरण आप करना, इसमें एकांतर वृत्तखंड वाला नियम लग जाएगा और ये सवाल भी हल हो जाएगा। तो कोशिश करना कि आप इन सवालों को हल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 14वीं एक्सरसाइज है उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ, इस 13वीं एक्सरसाइज की, ये 13.2 है वो भी थोड़ी रह गई, हम उसको भी हल करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो हमारी ज्यामिति है, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी, और 10वीं जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारी ये दोनों एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, 13, 14 और 10वीं, यानी कि लगभग दो वीडियो और आएंगे, उसके बाद में हमें 19वीं एक्सरसाइज है उसका भी रिवीजन करने वाला हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, आदर्श परिवार की ये जो मुहिम है कि आपकी तैयारी है वो बिना बाधा के बनी रहे, और जैसी लय में आप पहले थे, क्योंकि बीच में कोरोना महामारी के कारण आपके पेपर कैंसिल हो गए, तो वैसे ही तैयारी आपको अब फील हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके टेस्ट लिए जाएंगे। आप जुड़िए, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, आपको टेस्ट भी जरूर भेजे जाएंगे, और मेरा प्रयास ये रहेगा, हमारा पूरा ही आदर्श स्टाफ है उसका ये प्रयास रहेगा कि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो, और हमारा जो मिशन है मिशन 100 वो सक्सेस हो सके। लेकिन वो तभी होगा जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, आप खुद भी रिवीजन करेंगे, सभी टेस्ट जो हमारे द्वारा आयोजित होते हैं आप उनको देंगे, तब आप सफल हो पाएंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट्स घर पर रह के पढ़ नहीं पा रहे हैं उन तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।